दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैग एंड टेक पर। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि यार मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपने YouTube चैनल पर डाले हैं वो सारे के सारे एडिट जो हैं वो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही करता आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर मुझे पहले क्यों नहीं मिला या मैंने पहले ट्राई क्यों नहीं किया। मैं इस सॉफ्टवेयर को बेस्ट सॉफ्टवेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये मतलब बिगिनर भी यूज़ कर सकता है और एक एडवांस यूज़र भी कर सकता है। मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो एडिट करने का तो मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, इतने इजी सिंपल स्टेप्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से जी हाँ एक Go 7 Pro कैमरा जो है वो भी विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और लाइक का टारगेट है 1000 का। और अगर अभी तक आपने स्वैग एंड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिल्मोरा 9 की। जी हाँ बिल्कुल अभी लेटेस्ट ही लॉन्च किया है, 10 तारीख को शायद लॉन्च हुआ फिल्मोरा 9। उससे पहले फिल्मोरा का 8 वर्जन चल रहा था और जो 9 वर्जन है उसमें काफ़ी चेंज किए हैं, काफ़ी सिंपल बना दिया है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और मैं ये कहूँगा कि पहले आप फ्री वर्जन ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है तो आप उसे बाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको कि कितना सिंपल जो है वो वीडियो एडिट करना है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है वंडरशेयर फिल्मोरा 9। अब हमें इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको जो है क्लिक कर देना है यहाँ पर, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको इंपोर्ट मीडिया फाइल्स हेयर, यहाँ से आपके मीडिया फाइल्स को आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो रैंडमली यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स को जो है वो ऐड कर लेता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपनी मीडिया फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए और इन सब को जो है आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड हो चुकी है जो जो फाइल्स जो है वो हमें चाहिए थी। अब आपको जौन सी फाइल जो सबसे पहले लानी है आप उसको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आएगा, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये आपकी टाइमलाइन पर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपको फिट टू जूम टाइमलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है और ये आपकी टाइमलाइन पर फिट हो जाएगी। उसके बाद अब आपको करना क्या है, क्योंकि हमारे वीडियो की जो भी क्लिप होती है उसके अंदर शुरू में और लास्ट में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम नहीं चाहते हैं और इस तरह से, तो आप इसे जो है आगे और पीछे करके स्लाइड कर आप जो है उसे कट कर सकते हैं और ये फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी इसको हम वापस ले लेते हैं यहाँ पर, तो जहाँ से यहाँ पे मैंने बोलना स्टार्ट किया है वहाँ से हम जो है ये देखिए फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है। मैं आपको अगली क्लिप में और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, जहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है वहाँ से हम इसको स्टॉप करके वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। कट करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पर कैंची जैसा बटन होगा, यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और ये स्प्लिट हो जाएगी। और जो पार्ट आपको डिलीट करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए, ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कुछ भी इसके अंदर आपको जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ से हमें जो है इसको स्टॉप करना है, तो हमने इसको यहाँ पर पॉज कर लिया और फ्रेम बाय फ्रेम जहाँ से मैंने बोलना बंद किया है यहाँ पर जो है फिर से हम यहाँ पर कट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, सेलेक्ट कीजिए क्लिप को, ऊपर डिलीट का ऑप्शन, कट। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको अगली क्लिप में दिखाता हूँ कि फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो कैसे वर्क करता है, आपको बिल्कुल करेक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। क्लिप हमने ऐड कर ली है, जस्ट आपको यहाँ पर अब आपको जूम टू फिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपकी टाइमलाइन पर ये ऑटो अरेंज हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे इस ऑप्शन को लेकर आना है, व्यू पैनल पर आप यहाँ पर प्ले कर दीजिए और जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर आप पॉज कर लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम भी ये मिस नहीं करेगा आपको। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली कि आपको जिस फ्रेम से स्टार्ट करना है वहाँ से आप कट का ऑप्शन कर दीजिए और जो आपको पार्ट नहीं चाहिए जस्ट डिलीट का ऑप्शन कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, एग्जैक्ट काम करता है, जो भी फ्रेम आपको चाहिए उसे ले लीजिए, जो फ्रेम आपको नहीं चाहिए उसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद इस क्लिप को ड्रैग कर लीजिए और पहली वाली क्लिप के साथ अटैच कर दीजिए, जस्ट सिंपल। और इसी तरह आपको बाकी क्लिप्स भी जो हैं वो आपको ऐड कर लेनी है और उनको कट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमने क्लिप्स जो हैं वो सारी की सारी ऐड कर ली हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, अब हमें आ रहा जो पार्ट आता है वो आता है ऑडियो का। जी हाँ, अभी हम जैसे कि पहला वाला जो क्लिप हमने ऐड की थी, सपोज़ कीजिए मुझे उसका ऑडियो चाहिए और बाकी क्लिप्स का ऑडियो नहीं चाहिए, तो आपको सिंपली करना क्या है,
आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। म्यूट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जस्ट आपको म्यूट कर देना है इसको, और यहाँ से जो इसका ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको जिस क्लिप का ऑडियो चाहिए उसे आप रख सकते हैं, और जिसका नहीं चाहिए उसे म्यूट आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अब यहाँ पर देखिए इसका ऑडियो मुझे चाहिए। इसके अलावा आप इसे ऑडियो को डिटैच भी कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल वीडियो लेयर्स चाहिए। अब हम इसके पीछे जो है हमें एक नया म्यूज़िक जो है वो ऐड करना है। सपोज़ कीजिए आप बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहते हैं यहाँ पर, तो ऊपर ऑडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं जिनमें से आप कोई भी म्यूज़िक जो है वो ले सकते हैं, सभी के सभी ऑथेंटिक है। यहाँ से आप कोई कस्टम म्यूज़िक भी अपना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई अपना म्यूज़िक है, या फिर कोई आपके पास नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड अभी कर लिया है। उसके बाद यदि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो वॉल्यूम है उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको वीडियो लेयर और ऑडियो लेयर का ऑप्शन मिलता है, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मास्टर वॉल्यूम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है यार। और उसके बाद चाहिए होता है हमें अपने वीडियो के लिए एक टाइटल या फिर ओपनर कह लीजिए। यहाँ पर आपको ओपनर, लोअर थर्ड, टाइटल सब कुछ मिल जाएंगे। तो टाइटल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर चलिए इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारी वीडियो के स्टार्ट में जो है वो आएगा। और यहाँ पर हम कुछ भी अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, और एनिमेटेड ये अपने आप कर देगा। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी है यहाँ पर, जस्ट आपको यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टेक्स्ट कुछ भी लिख देना है यहाँ पर। और इसके अलावा आप टेक्स्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं, कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। जस्ट आपको जैसे मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ स्वैग हंट टेक, तो चलिए हम अब इस टाइटल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ड्रैग करके इस तरह से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाले टाइटल को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मैंने चेंज कर लिया है लाइक एंड सब्सक्राइब। और उसके अलावा आप इनकी पोजीशंस जो है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इस तरह से आप इनको प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी ओपनिंग या आपका टाइटल इस तरह से दिखाई देगा। और इसको अगर आप अपने वीडियो के स्टार्टिंग में चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए आगे की तरफ, और अब हम देखते हैं कि आपका जो है यहाँ पर ओपनिंग या टाइटल जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो कूल, यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ओपनिंग यहाँ पर बन गई है। तो बड़ा ही सिंपल है, एनिमेटेड टेक्स्ट आपका बन गया है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है यार, वो होता है ट्रांजिशंस का। एक्चुअली में ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के मिलते हैं, बेसिक, 3D, रिपल एंड डिजॉल्व, स्पीड ब्लर, वैप, और काफ़ी सारे मिल जाते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि हमारी जो क्लिप्स होती हैं, यानी कि पहली क्लिप, सेकंड क्लिप, जो भी क्लिप्स हैं आपकी, अलग अलग क्लिप्स हैं, उनके बीच में एक स्मूथनेस लेके आता है। यानी कि जब हम एक शॉट से दूसरे शॉट में मूव कर रहे हैं तो ये एक स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो देता है, और आपका वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमें जस्ट इसको रैंडमली एक हम यहाँ पर ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम उसे ऐड जो है वो कर लेते हैं हमारे दो क्लिप्स के बीच में। तो जैसे मैंने ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो इस तरह से आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीच में लगा दीजिए, और आपको डिलीट करना हो जो सेलेक्ट करना है और इसको डिलीट का ऑप्शन कर देना है। तो चलिए इसको प्रीव्यू कर लेते हैं हम किस तरह से ये जो ट्रांजिशन है ये काम करता है। तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं टाइमलाइन को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये है ट्रांजिशन जो है वो वर्क करता है। बहुत सारे ट्रांजिशन आपको सैकड़ों मिल जाते हैं यहाँ पर, अपने मनपसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से आप जो है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और ट्रांजिशन यहाँ पर लगा दिया है, और आप इस ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो है इफ़ेक्ट्स का। यदि आप अपने वीडियो में कुछ इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं, कुछ फ़िल्टर्स देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, शेक है, फॉक्स फिल्म है, नाइट लाइफ है, बैकग्राउंड ब्लर है, लैमोग्राफी है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपनी वीडियो के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने रैंडमली जो है वो तीन इफेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, उनको टाइमलाइन के हिसाब से और अपनी क्लिप के हिसाब से आप जो है उसे ड्रैग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लीजिए। और कुछ इस तरह से इफेक्ट जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इफेक्ट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपका वीडियो और भी ज़्यादा जो है वो कूल बन जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है वो आता है एलिमेंट्स का। एक्चुअली एलिमेंट्स में आपको जो है वो अलग अलग तरह के बैजेस देखने को मिल जाते हैं, इमोशंस देखने को मिल जाते हैं, आपको इमोजीज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से लव, जर्नी, शेप्स, हैंड ड्रॉन, बैजेस, ट्यूटोरियल, वेब, पैट्स, काफ़ी अलग अलग तरह के बैजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे इस हार्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, और इसको जो है हमने टाइमलाइन पर सेट भी कर लिया है यहाँ पर, और आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और जिस पार्ट में आपको चाहिए
आप वहां पर इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। सिंपली आपको जो आपका प्रीव्यू पैनल है वहां पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना ऊपर नीचे जहां भी आप चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है ये वर्क करेगा, आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है यहां पर कोई भी एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको इनकी वंडरशेयर की वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। वहां पर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, फ्री में डाउनलोड आपको करने को मिल जाते हैं। इमोजीज कर लीजिए, यहाँ पर सीजनल पैक हैं, इफ़ेक्टिव टैक्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, जो अगर आपने ये वर्ज़न परचेज़ किया हुआ तो आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, आपने सभी एलिमेंट्स जो है वो यूज़ कर लिए हों, आपके वीडियो के सभी पार्ट आ गए हों। जस्ट आपको अब एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फॉर्मेट मिल जाते हैं, MP4, WMV, AVI फाइल, MKV, किसी भी फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी वीडियो का नाम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, YouTube पर डायरेक्ट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह सब कुछ आप यहीं से जो है वो डाल सकते हैं। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी ज़्यादा चीज़ लगी है। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक डिवाइस के लिए जो है फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, आईफोन के लिए, आईपैड के लिए अपने, या फिर आप अपने टैब के लिए, तो वो भी आपको ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जस्ट आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपकी फ़ाइल जो है वो रेंडर खुद हो जाएगी और एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए हमारी फ़ाइल जो है वो कैसी बनी है। तो यार इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि यार कोई वीडियो एडिटर यार मैंने देखा है आज तक। तो ठीक है ना बॉस, इस वीडियो को हम करेंगे एडिट फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में और देखते हैं यार कितना इजी है। इसके बाद यदि अभी भी आपके मन में यार कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी भी ऑप्शन के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यार मुझसे लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। बात आती है गिव अवे की, गिव अवे यहाँ पर चला हुआ है इसका और 6 तरीकों से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर फेसबुक पर इसे शेयर करना है, ट्वीट करना है, गिव अवे को रीट्वीट करना है फिल्मोरा एडिटर को और यहाँ पर फीडबैक देना है। उसके अलावा शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को यूट्यूब पर, सबमिट कर सकते हैं एक फिल्मोरा 9 वीडियो रिव्यू वीडियो यूट्यूब पर, वहाँ पर 500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये अलग अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो इस तरह से आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो इस गिव अवे में और जीत सकते हो। इसका रिजल्ट जो है वो आएगा 7 जनवरी 2019 को और ये जो गिव अवे है ये इसमें एंट्री आप कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों जाइए और एंट्री कीजिए और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और ट्राई कीजिए और मजा आए तो इसको परचेज भी कर सकते हैं।